निर्वाचन आयोग ने गुरुवार की देर रात बिलासपुर के होटल इंटरसिटी में छापा मारा। बंदूकधारी जवानों ने गेट पर ताला बंद कर पहरा शुरू कर दिया। उस समय होटल के कमरे में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। निर्वाचन आयोग के अफसर को देखकर उन्होंने आने का कारण पूछा तो जवाब मिला कि वे यहाँ जाँच करने आए हैं। उन्होंने जाँच में आयोग के अधिकारियों का सहयोग किया। अफसरों ने हर एक कमरे की जाँच की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर होटल सर में एक शादी समारोह चल रहा था। गेट में बंदूकधारी जवानों को देखकर बाराती और घराती सम गए। अचानक फोर्स को देखकर गहमा गहमी का माहौल बन गया। गेट पर ताला और जवानों के तैनात रहने से कोई अंदर या बाहर जा नहीं पा रहा था। ये देख वर वधु के परिजन भड़क उठे। उन्होंने निर्वाचन अफसरों को जमकर खरी खोटी सुनाई। पब्लिक के तेवर को देखकर निर्वाचन अधिकारी उल्टे पांव लौट गए। वहाँ पे अचानक से निर्वाचन आयोग की टीम आ गई। आज मैं अपने कुछ साथियों से इस होटल पे मिलने आया था और बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि देवेंद्र यादव अगर कहीं पर जा रहे हैं तो उनके पीछे सीआरपीएफ और निर्वाचन की टीम भेज दे रहे हैं। अरे भाई, मुझे जो करना है कर लो, मैं कहाँ डर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे बुलाओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ सामने। लेकिन अगर आप आम जनमानस को तकलीफ में पहुंचाओगे तो ऐसे ही डंडा मार के जनमानस आपको भगाएगा जो आज हुआ। शर्म आनी चाहिए निर्वाचन के लोगों को। दुम दबाकर यहाँ से पुलिस के लोगों को भागना पड़ा क्योंकि जनता इतना आक्रोशित हो गई थी। आप बताइए, किसी होटल में शादी चल रही है, बर्थडे पार्टी चल रही है, लोग आए हुए हैं, हजारों लोग हैं, और इसके बाद आप गेट बंद कर देते हैं कि किसी को नहीं जाना है। भाई ये क्या ताना चाहिए? ये नहीं सहन करेगा बिलासपुर, ना ये नहीं सहन करेगी यहाँ की जनता। आपको देवेंद्र यादव से समस्या है तो देवेंद्र यादव को सूली पे टांग दो, देवेंद्र यादव को जेल में बंद कर दो, देवेंद्र यादव को जो कर सकते हो वो कर दो, लेकिन आम जनता को परेशान नहीं कर सकते। ये बिलासपुर की जनता है क्रांतिकारी विचारों की। ऐसे ही आपके डंडे का जवाब ऐसे ही वो देगी तो ये इसका मैं भी कड़ा विरोध करता हूँ और मैं इसके लिए बात भी करूँगा। आपकी गाड़ी की भी जांच हुई? मैं तो पता नहीं क्या करने आए थे ये, मैं तो बाहर ही था भाई। ये केवल और केवल डराने धमकाने आए थे। और जांच जो करनी करो ना भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं। गाड़ी की कर लो, कमरे की कर लो, साथियों की कर लो, मेरे को अपने साथ रख लो, रखना है तो एक आध दिन। हम डर नहीं रहे किसी चीज़ से, लेकिन ये जो तानाशाही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि आप डर रहे हो। आप इस बात से सहमत हो चुके हो कि बिलासपुर इनके हाथ से फिसल चुका है, इसलिए दो दिन पहले हमारे कार्यकर्ताओं के को डराने धमकाने के लिए अज्ञात के नाम से FIR की गई, ताकि चुनाव के एक दिन पहले किसी को भी ये थाने में बैठा दे। आज मैं एक जगह बैठक लेने आता हूँ एक जगह, तो वहाँ पर निर्वाचन आयोग, पुलिस, CRPF गन लेके खड़ी हो जाती है। तो ये डर BJP का बता रहा है और ये डर इसलिए है कि इस बार आप देश की सत्ता से बाहर जनता आपको कर रही है, इसलिए आप ये अंतिम अपना तानाशाही कर रहे हैं। जैसे दिया उजने के पहले फड़फड़ाता है ना, ये फड़फड़ाहट से हमें डर नहीं है, जो कर सकते हो कर लो। आपसे कोई बातचीत हुई अभी? कोई बात नहीं। और हम लोग जो हैं वो हमारे दादा परदादा मुंगेली के मालगुजार, कपुआ तुंवर ढेटा के हम लोग वर्तमान लोग हैं। हमने ये होटल बुक किया उनकी मेरिज एनिवर्सरी के लिए। अब अचानक हम लोग गाना बजा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, अचानक पता चला कि छापा पड़ गया। मेरा लड़का और मेरे परिवार के आधे लोग बाहर खड़े हैं, आधे लोग अंदर हैं। मेरे जो भतीजा है वो अपने ससुर को छोड़ने आया, वो भी बाहर है। मेरा जो भाई है उनका समधी, वो भी उनको टाटा नहीं कर पा रहा है। ये खड़े होकर दादागिरी करने लगे। मैं बोले ये कौन सा नियम कानून है भाई, हैं? आप जिसको छापा मार रहे हो उसके बारे में करिए जो भी करिए, पर गेट बंद करके दादागिरी, गन लेके खड़े हो गए, ये तो तानाशाही हो गई ना। हम लोग इस प्रजातांत्रिक नागरिक हैं और हम लोग तो कोई वोट और ये राजनीति खेलने नहीं आए थे यहाँ पे, हैं? अब आप राजनीति खेल रहे हो, इसका मतलब साफ है कि आप कहीं ना कहीं से पूर्वाग्रह से पीड़ित हो। कुछ मिला आप लोग ने जांच हुई तो? क्या जांच, क्या मिला? कुछ क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला। हम लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं था, है? उसमें आप बंदिश लगाओगे ये तो सरासर गलत है। और जब उन लोग सारी बात सुने तो वैसे मुंह लटका के चल। आपकी
नहीं परेशानी, अरे हमारा हृदय धड़कने लगा कि गनमैन खड़े हो गए और छापा पड़ गया और ये सब हमारी खुशी में जो है ये भंग डाल दिए। अरे भाई आपको जो भी राजनीति करना हो जैसा करना हो वो करिए, जिसको पकड़ना हो कारण बता के पकड़िए, जो भी करिए अचानक आए बंद करके तमाशा शुरू कर दिए। इसमें जो है यहाँ पे बहुत से लोगों ने बुक कराया था, वो खाना खाने वाले आए थे सब परेशान हुए। मैंने मेरा नाम प्रभात वर्मा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहा, अब रिटायर्ड हो गया और मेरा ग्राम तुम्हारा डेटा तहसील पथरिया मुंगेली में खेती है और मेरे दादा परदादा मुंगेली कपुआ भारतपुर लोरनी ये सबके माल गुजार रहे हैं, पर मैं उसको घमंड नहीं मारता, मैं एक आम नागरिक हूँ और एक आम नागरिक को आप इतना सताओगे ये हमको कभी उम्मीद नहीं थी। ठीक है भैया, धन्यवाद।